Okay, so here I will type and then once we go to the income tax side, since I have registered myself as a CA in the income tax site, so with that ID I'll log in here. So after logging in, I'll go to e-file. E-file mein income tax forms. यहाँ पे SSC का PAN number डालना होगा. PAN of CA. Okay. Form आप कौन सा भर रहे हो? That is form CB. Submission mode upload XML original assessment year 1920. इसको continue. ठीक है. अब यहाँ पे browse XML. आपने पहले ही हम एक folder बना के tax audit के नाम से एक folder बना लो. उसमें सारे documents जो जो आपको इसमें upload करनी है, वो सारा उसमें डाल के रखो आप. जैसे मैंने फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है, तो आई ऑलरेडी मेड दिस फोल्डर. मैंने ये फोल्डर बना रखा है, इसमें मैंने एक्सएमएल भी डाला हुआ है. फॉर्म 3CD ओपन करूंगी. डन. सिग्नेचर फाइल. सिग्नेचर फाइल मैंने सेव कर रखा है, तो मैं सिग्नेचर फाइल पे क्लिक करके ये अटैच हो गया. देन मेरे को बैलेंस शीट अटैच करना है. ऑल दीज बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस आई हैव ऑलरेडी स्कैन्ड एंड केप्ट विद मी. आई हैव जस्ट अपलोड इट हियर. सो आई हैव क्लिक्ड. ये आप देख रहे हो, एक ही जगह होने की वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. मैं तो एज इट इज मैं इसमें अपलोड करती जा रही हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस ऑल आई हैव डन. नाउ आई विल सबमिट. आपको सिग्नेचर फाइल को पहले डीएससी यूटिलिटी में अपलोड करनी होगी. उसके बाद वो सिग्नेचर फाइल उसी लिंक पे जाके सेव होगी जहां आपने फॉर्म 3CD एक्सएमएल फाइल सेव किया हुआ, तभी जाके ये प्रोसेस हो पाएगा, नहीं तो वो बार बार एरर शो करेगा. तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि सिग्नेचर फाइल सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए जनरेट होगी और वो एक्सएमएल का जहाँ लिंक होगा वहीं पर जनरेट होगी. तो ये देखिए, मेरा फॉर्म 3CD CB हैज बीन अपलोडेड एंड अ ट्रांजैक्शन नंबर इज दिस एंड ईमेल हैज बीन सेंड टू इतना एंड टू इतना. द SSC शुड लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल एंड एक्सेप्ट एन अप्रूव फॉर्म. अगर SSC ने नहीं अप्रूव किया फॉर्म, तो ये आपका जो आपने अपलोड किया है फॉर्म, ये अभी भी पेंडिंग शो करेगा. ओके, मैं SSC का लॉगिन करके आपको दिखाती हूँ. लॉग आउट कर दिया. अब मैं लॉगिन करती हूँ. मैंने क्लाइंट का लॉगिन किया. अब क्लाइंट का लॉगिन करने के बाद स्किप किया. ओके, वर्क लिस्ट में गई. वर्क लिस्ट में जाने के बाद योर एक्शन, फॉर योर एक्शंस में व्यू अपलोडेड फॉर्म्स एंड डिटेल्स, क्लिक हियर. व्हेन यू क्लिक
you will see that CA name Shalini has come from 3CV, 3CD assessment year 1920, submitted on itna. Ab aap view form mein jao. Jaise hi aap view form mein jaate ho, you have to accept here. Accept karne ke baad, aapko apna digital signature yahan lagana hoga and aapko submit karna padega. Jaise hi aap form submit karoge, aapki form aapke taraf se accept ho gayi aur upload ho gayi. Thank you.